हेलो, मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं द सिनेमा शो। आइए जानते हैं क्या है दिन की बड़ी खबरें। हैरी पॉटर रिटर्न टू हॉगवर्ट्स का ट्रेलर आ गया है। ये बेसिकली हैरी पॉटर सीरीज में नजर आए एक्टर्स का रियूनियन है, जिसे HBO मैक्स पर रिलीज किया जाएगा। ये एपिसोड 1 जनवरी 2022 से स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हो जाएगा। आर माधवन इन दिनों सुरवीन चावला के साथ डीकपल्ड नाम की एक नेटफ्लिक्स सीरीज में नजर आ रहे हैं। राइटर चेतन भगत भी इस शो का हिस्सा है। ऐसे ही एक प्रमोशनल एक्टिविटी के दौरान माधवन ने चेतन के मजे ले लिए। चेतन ने ट्विटर पर पूछा कि किसी को ऐसी किताब के बारे में पता है जिस पर बनी फिल्म किताब से बेहतर हो। इसका जवाब देते हुए माधवन ने लिखा, हाँ, थ्री इडियट्स। एक्टर सौरभ शुक्ला बतौर डायरेक्टर एक फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म का नाम है जब खुली किताब। ये फिल्म सौरभ के इसी नाम के नाटक पर बेस्ड है। इस फिल्म में पंकज कपूर और डिंपल कपाड़िया जैसे वेटरन एक्टर्स नजर आने वाले हैं। द लाइट हाउस जैसी फिल्म बनाने वाले फिल्ममेकर रॉबर्ट नई फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस हिस्टोरिकल थ्रिलर फिल्म का नाम है द नॉर्थमैन। इस फिल्म में अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड, निकोल किडमैन, आन्या टेलर जॉय और ईथन हॉक जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। ये फिल्म 22 अप्रैल को रिलीज होगी। पनामा पेपर्स केस में ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेजा था। इस मामले में ऐश्वर्या ईडी के सामने पेश हुई, जिसके बाद उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की गई। ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके पति अभिषेक बच्चन को फेमा के तहत समन भेजा था। RRR के प्री रिलीज इवेंट में सलमान खान ने बजरंगी भाईजान 2 की घोषणा कर दी थी। इसके फौरन बाद ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने एक इंटरव्यू में बताया, न सीक्वल के लिए स्क्रिप्ट रेडी है और न ही किसी तरह की तैयारी है। पता नहीं सलमान ने कैसी ये फिल्म अनाउंस कर दी। बिग बॉस 15 फुल फ्लेज्ड चल रहा है। बीते वीकेंड के वॉर पर सलमान के शो से राजीव अडेशिया और रितेश घर से बेघर हो गए। रितेश राखी सावंत के पति हैं। राखी ने अपने सीजन में उनके नाम का कई बार जिक्र भी किया था, मगर वो मीडिया के सामने नहीं आए। इस बार वो सीधे बिग बॉस में चले आए। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ की रिलीज पोस्टपोन हो गई है। धाकड़ पहले 8 अप्रैल 2022 को रिलीज के लिए शेड्यूल थी, मगर अब ये फिल्म मई 2022 तक खिसका दी गई है। इसके पीछे की वजह KGF 2 को बताया जा रहा है, जो कि 14 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। आखिरी बार कुरूप में नजर आए दुलकर सलमान की नई फिल्म आ रही है। इस तमिल फिल्म का नाम होगा हे सिनामिका। इस फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। इस फिल्म में सलमान के साथ अदिति राव हैदरी और काजल अग्रवाल नजर आने की भी खबर है। रघुलप्रीत सिंह ने अपनी अगली फिल्म छतरीवाली की शूटिंग पूरी कर ली है। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। इस फिल्म में रकुल कॉन्डम टेस्टर का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। फिल्म की रिलीज डेट आनी अभी बाकी है। गोविंदा अपने करियर की शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे। इस दौरान 1980 में उन्होंने टीवी शो महाभारत का भी ऑडिशन दिया था। इस फिल्म में वो अभिमन्यु का रोल करने वाले थे, मगर ठीक इसी समय उन्हें तन वदन नाम की एक फिल्म में काम मिल गया। आज गोविंदा का जन्मदिन होता है। सलमान खान RRR के प्रमोशनल इवेंट में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने बताया कि वो NTR जूनियर और रामचरण को तब से जानते हैं जब वो लोग इतने बड़े स्टार नहीं थे। उन्होंने अपने सभी फैंस से RRR को देखने की भी अपील की। राजामौली डायरेक्टेड ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को रिलीज हो रही है। गुरु रंधावा और नोरा फतेही का गाना डांस मेरी रानी आज रिलीज हुआ। इस गाने में गुरु के वोकल्स के अलावा नोरा के लुक्स की भी काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि कई लुक्स इंटरनेशनल पॉप स्टार शकीरा से मिलते जुलते हैं। ये शकीरा को ट्रिब्यूट है या उनकी नकल, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मलयालम फिल्म अयप्पन कोशियम का रीमेक भीमला नायक में सुपरस्टार पवन कल्याण और राणा दग्गुबाती लीड रोल्स में नजर आएंगे। ये फिल्म पहले 12 जनवरी को पोंगल के मौके पर सिनेमाघरों में लगने वाली थी, मगर अब इसके मेकर्स ने फिल्म को 25 फरवरी तक खिसका दिया है। सोमवार को समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन राज्यसभा में भड़क गईं। जया नारकोटिक्स ड्रग्स बिल पर बात कर रही थी, मगर उन्हें कई बार टोक दिया गया, जिससे चिड़ी जया ने कहा, आप लोगों के बुरे दिन आएंगे, मैं शाप देती हूँ। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा इन दिनों थिएटर्स में लगी हुई है, मगर ये इस फ्रेंचाइज की पहली फिल्म है। फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार ने बताया कि पुष्पा 2 की शूटिंग फरवरी 2022 में शुरू होगी। इसे 17 दिसंबर 2022 को रिलीज करने की तैयारी है। द सिनेमा शो में आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।